जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक बहुत दिनों से इस बात को जो पॉलिटिकल कमेंटेटर है, दिल्ली के अंदर जो राजनीति है, देश की राजनीति पर नजर रखती है। हमारे साथ शलभमणि त्रिपाठी जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। शलभ भाई, मैं सबसे पहले आपसे ही शुरू करता हूं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी अपना बयान इस पर दिया है। सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि बीजेपी से प्रेरित है, कुछ एक रुपए का हमने घोटाला नहीं करा। खुद को क्लीन चिट देते हुए कहा कि हमें इसलिए परेशान कर रहे हैं क्योंकि हमसे डर गए। देखिए, जो बात आज अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं और उनके दोस्त कह रहे हैं, लगभग वैसी ही बात मनीष सिसोदिया जी भी कहते थे, लगभग वैसी ही बात सत्येंद्र जैन जी भी कहते थे। और जब उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, जब एजेंसियों ने कार्रवाई की, इतना ज्यादा हल्ला मचाया था, इतने तरह की बातें कही थी, लेकिन हुआ क्या? कोर्ट से आज तक बेल नहीं ले पाए। यानी माननीय अदालत ने भी पाया कि आपने भ्रष्टाचार किया है, और जो तमाम सारे सबूत जो एजेंसीज ने लगाए हैं, जो अब कोर्ट के मार्फत लोगों के पब्लिक डोमेन में आने लगे हैं, वो तो हैरान करने वाले हैं। और इसलिए हैरान करने वाले हैं कि एक व्यक्ति अपने बच्चों के सर पर कसम रखकर आता है, बच्चों के सर पर कसम खाता है और कहता है कि मैं राजनीति में चुनाव नहीं लड़ूंगा, वो चुनाव लड़ता है। वो बच्चों की कसम खाकर कहता है कि मैं कोई सिक्योरिटी नहीं लूंगा, वो सिक्योरिटी भी लेता है। वो बच्चों के सिर की कसम खाकर बोलता है कि मैं बंगला नहीं लूंगा, वो बंगला भी लेता है और उसमें एडिशनल स्विमिंग पूल भी बनवा लेता है। वो कसम खाकर कहता है मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा। पूरी की पूरी पार्टी ने जो भ्रष्टाचार किया, आप उठाकर देखिए, पूरे दिल्ली को इन्होंने शराब खाने में तब्दील करने का सौदा कर दिया। और अब तो लोगों को पहली बार पता चला कि कंबल ओढ़कर घी पीते थे, कंबल ओढ़कर, यानी घी जो है कोड वर्ड था, 15 किलो घी, 50 किलो घी, ये सारा कहां गया? ये सुकेश चंद्रशेखर ने जो खुलासे किए हैं जी, जो 100 करोड़ रुपए सीधे बांटे गए इन लोगों के बीच में, वो सब कहां गए? तो मुझे लगता है देश हतप्रभ है, और देश इसलिए हतप्रभ है कि एक व्यक्ति से उम्मीद थी देश को, बहुत सारे लोगों को उम्मीद थी कि ये भ्रष्टाचार को के खिलाफ लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे, पर भ्रष्टाचार तो नहीं करेंगे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि सजा याफ्ता लालू प्रसाद यादव के चरणों में पड़े हैं, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के चरणों में पड़े हैं, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले हैं। तो आम आदमी पार्टी ने तो सारी, लेकिन शलभ भाई, आपने जो बातें कही वो बेल हियरिंग के दौरान कोर्ट ने कुछ बातें कही हैं, ये आप भी जानते हैं बेहतर तौर से कि ये जो सारे कोर्ट के जो बेल हियरिंग होती है, उसका ट्रायल के ऊपर उसका कोई इंपैक्ट नहीं होता, उसका कोई मतलब नहीं होता। ट्रायल में प्रूव करना होगा कि अरविंद केजरीवाल ने और उनके जो साथी है, उन्होंने कुछ भ्रष्टाचार किया है या नहीं किया है। अंकित जी, देखिए, ये काम एजेंसीज का है, और मुझे विश्वास है, हम सबको विश्वास है कि जिस तरह से एजेंसीज ने समन किया है, बिना किसी ठोस आधार पर समन नहीं किया होगा। वो चीफ मिनिस्टर है। आप, मैं कह तो रहा हूं कि मनीष सिसोदिया जी क्या कहते थे, आप उठा के स्क्रिप्ट देख लीजिए, आज केजरीवाल जी की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए और मनीष सिसोदिया जी की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, सत्येंद्र जैन की स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, एक ही भाषा थी कि नहीं साहब, हमसे तो सीबीआई ने बहुत कोऑपरेट किया, हमने सीबीआई को कोऑपरेट किया, हमें भाजपा ने फंसाया, क्यों नहीं बेल कर ले? अगर सही होते तो सत्येंद्र जैन को बेल क्यों नहीं मिलती है, क्यों नहीं जमानत मिलती है, मनीष सिसोदिया को क्यों नहीं जमानत मिलती है? तो ऑनरेबल कोर्ट ने जेल के भीतर रखा हुआ है, इससे बड़ा कोई प्रमाण नहीं हो सकता कि ये भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, इन्होंने चोरी की है। सर, वो अभी भी ट्रायल में तय होगा, लेकिन नीरजा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, राजनीतिक तौर पर क्या ये अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ा संकट है? उनकी कट्टर ईमानदार की जो इमेज है, एंटी करप्शन क्रूसेडर की जो इमेज है, उस पर एक सवालिया निशान लग गया है? या जैसे कि अरविंद केजरीवाल अब तक देखा गया है बड़े माहिर रहे हैं विक्टिम कार्ड खेलने में, तो वो इसका अपने पक्ष में भी इसका कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि अरविंद केजरीवाल किस तरह से इस इशू को यूज़ करते हैं और पलटवार करते हैं भाजपा के खिलाफ। ये देखने लायक चीज़ होगी। आज बहुत इंटरेस्टिंग है कि 9 घंटे के बाद, 56 सवालों के बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कूल, जैसे कहेंगे, मुझे तो थकान भी नहीं लग रही है उनके चेहरे पर, और वो पोलिटिकल बात कह रहे हैं। और ये भी कि सीबीआई निर्जा जी, मैं माफी चाहूंगा, मैं आपको एक मिनट के लिए रोक रहा हूं। दिल्ली में मंत्री सौरभ भारद्वाज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ जी, बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन पर हमसे बात करने के लिए। सबसे पहले तो आप लोगों को डिटेन किया गया था, क्या छोड़ दिए गए आप लोग नजफगढ़ पुलिस स्टेशन से? अभी नजफगढ़ थाने से छोड़ा गया है, जब सीएम साहब की क्वेश्चनिंग खत्म हुई है वहां पे, हमें यहां से छोड़ा गया है, तो अब हम निकले हैं। सौरभ भाई, मैं अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं शलभमणि त्रिपाठी, उनसे पूछ रहा था, वो कह रहे हैं कि ये जो स्क्रिप्ट है, जो अरविंद केजरीवाल ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि ये सब हमें फंसाने के लिए किया जा रहा है, हमारी इमेज को खराब करने के लिए किया जा रहा है क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं, ये स्क्रिप्ट तो मनीष सिसोदिया भी बोलते थे, सत्येंद्र जैन भी बोलते थे,
क्योंकि आप लोगों को कोर्ट से बेल नहीं मिल पा रही अगले आपके मंत्रियों को, ये प्रूव करता है कि आप लोग दाल में कुछ काला है। नहीं, ये तो सारे देश ने देखा कि सत्येंद्र जैन साहब के मामले में सीबीआई कोर्ट ने जब तीखे सवाल केंद्र सरकार के वकीलों से पूछने शुरू किए, इनके तुषार मेहता और राजू साहब जो एसजी हैं उनसे सवाल पूछे तो उनके पास जवाब नहीं थे, और ये बात केंद्र सरकार को समझ में आ गई कि सत्येंद्र जैन को बेल मिलने वाली है। उसके बाद क्या हुआ, पूरी की पूरी केंद्र सरकार ऊपरी अदालत में गई, वहां पे इन्होंने बोला कि साहब ये जज ठीक नहीं है, इन जज को बदल दीजिए। ये भारत के इतिहास में मुझे नहीं जान पड़ता कि कभी केंद्र सरकार सीबीआई जज के खिलाफ कोर्ट में गई हो और बोला हो कि ये जज ठीक नहीं है, और एक बेहद ईमानदार अच्छी कर्तव्यनिष्ठ जज को इन्होंने बदनाम किया और उनसे मुकदमा लेके दूसरे जज को दे दिया। अब इसका क्या इंडिकेशन है, इंडिकेशन ये है कि अगर आप आम आदमी पार्टी के मंत्रियों को बेल देंगे तो हम आपको ही बदनाम कर देंगे, आपका पूरा करियर खत्म कर देंगे। यही तो हुआ। अब वो जो बेचारी जज थी उनके ऊपर तो उन्होंने पूरा सवालिया निशान लगा दिया उनकी क्रेडिबिलिटी पे, मतलब कि उनकी इम्पेकेबल जो परफॉर्मेंस थी, उनकी इंटीग्रिटी थी, उस पे सवाल उठा दिया जी। तो अब कौन जज जो है इन लोगों के साथ जो है इस तरीके का झगड़ा ले सकता है। इनके केंद्रीय लॉ मिनिस्टर तो रोज चीफ जस्टिस से लड़ रहे हैं कि हमारे कहने से जज बनाओ। भाई क्यों बनाए आपके कहने से जज, आप क्यों चाहते हैं आपके नाम से जज बन जाए, आप क्यों चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर सरकार के लोग जज बन के बैठ जाएं। ये तो खुल्लम खुल्ला जो है कानून का, संविधान का जो है मजाक उड़ाना, पर खच्चे उड़ाना, और सिर्फ सिर्फ जी पर सौरभ भारद्वाज कारण है। अरविंद केजरीवाल ने कल भी कहा और आज सुबह भी कहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, विटनेस के तौर पे मुझे बुलाया जा रहा है, मैं जाऊंगा, अपनी बात सीबीआई के सामने रख दूंगा। आके भी उन्होंने कहा कि देखिए मेरे साथ बड़ा सभ्य व्यवहार हुआ और मुझसे 56 सवाल पूछे गए जिनके मैंने जवाब दे दिए। अगर सिर्फ जवाब देने की बात थी, और क्योंकि मुख्यमंत्री हैं दिल्ली के और दिल्ली की अगर लेकर पॉलिसी में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं, तो उस पर आम आदमी पार्टी को क्यों लग रहा है कि उनके खिलाफ इस तरीके का वेंडेटा किया जा रहा है, इसको एक राजनीतिक मोड़ देने की कोशिश क्यों की जा रही है? अब इसके सवाल का जवाब आपके पास जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बैठते हैं और जो पिछले कुछ हफ्तों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो क्या कह रहे हैं कि अब अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे। भाई अब तो इनकी स्क्रिप्ट पे पूरा का पूरा काम चल रहा है ना, कानून की तो बात ही नहीं हो रही है। पहले इन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को जेल भेजेंगे, इन्होंने जेल भेज दिया। अब ये कह रहे हैं अब हम अरविंद केजरीवाल को जेल भेजेंगे। तो कानून की बात होती तो हम ये बात कह सकते कि कानून की धाराओं के हिसाब से तो जो है ये कोई क्राइम जो है बनता नहीं है, कोई प्रोसिक्यूशन का केस खड़ा नहीं होता, मगर मामला तो सारा राजनीतिक है ना। अब इतनी ताकत केंद्र सरकार के पास है, इतनी माइट है इनके पास, इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर ये ठान लें कि एक छोटी सी पार्टी के एक मुख्यमंत्री को एक खत्म करना चाहते हैं तो खत्म कर देंगे। तो बहुत ताकतवर लोग हो गए हैं। अब इनकी ताकत जो है सीबीआई ईडी ने और बढ़ा दी है, हम क्या करेंगे। ये अगर कल बुलाएंगे मुख्यमंत्री, कल भी जाएंगे, ये 100 बार बुलाएंगे सवालों के लिए, 100 बार जाएंगे, और जब ऊपर से ऐसा लगेगा कि नहीं नहीं अब सवाल वाल बहुत हो गए, अब इसको अंदर डालो, तो अंदर डाल दिया जाएगा। तो अब तो मतलब कि मामला जो है वो पूरा का पूरा सत्ता, सत्ता का नशा, सत्ता का घमंड, इसके ऊपर बात आ गई है कि सत्ता का नशा ऐसा है कि आप किसी आदमी को आदमी नहीं समझते, किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री नहीं समझते, अपोजिशन को आप खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि हम अपोजिशन जो है समाप्त करना चाहते हैं जी, कोई सवाल पूछता है तो आपको पसंद नहीं आता है। पर सौरभ जी, ये शलभ ने भी कहा और मैं वो सवाल एक बार आपसे पूछना चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि देखिए आप एंटी करप्शन क्रुसेडर के तौर पर आपकी पार्टी आई थी, अरविंद केजरीवाल को करप्शन के खिलाफ योद्धा के तौर पर देखा जाता था, आज आप उन्हीं लोगों के साथ मिलते जुलते नजर आते हैं जिनके खिलाफ आप कल तक आरोप लगाते थे। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव की पार्टी से आपकी दोस्ती है, आप उन लोगों के साथ बातचीत करते हैं जिन्हें कल तक आप करप्ट कहते थे, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने 6 महीने तक कैंपेन चलाया वाटर स्कैम के नाम पे। असम के अंदर उस वक्त कांग्रेस के स्वास्थ्य मंत्री थे हेमंत बिस्व शर्मा, पूछिए उनसे आपने कैंपेन चलाया नहीं चलाया, आपने उनको भ्रष्ट कहा नहीं कहा, ईडी सीबीआई के मुकदमे उन पे हुए नहीं हुए। फिर क्या हुआ, इन्होंने उस भ्रष्ट कहलाने वाले मंत्री को कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा लिया, आज वो इनके पोस्टर बॉय हैं, इनके असम के भारतीय जनता पार्टी के वो मुख्यमंत्री है। मैं जानना चाहता हूं आपने कैसे, जिसको आप खुद भ्रष्ट कहते थे, ईडी सीबीआई के केस लगा, उसको कैसे आपने ज्वाइन करा लिया। फिर मुकुल रॉय हैं, शुभेंदु अधिकारी हैं, नारायण राणे हैं,
मतलब दर्जनों नेताओं की लिस्ट है जिनको आपने भ्रष्ट, अजीत पवार का नया नया नाम आ रहा है कि अजीत पवार का नाम जो है चार्जशीट से जो है हटा दिया गया ईडी द्वारा, क्योंकि दोस्ती हो रही है, हो सकता है वो भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं, ऐसी स्पेकुलेशन है। तो हम तो किसी से मिले तो भी हम भ्रष्ट हो गए, और ये भ्रष्ट कहलाने के बाद, कहने के बाद, मुकदमे करने के बाद उनको पार्टी में ज्वाइन करा के मुख्यमंत्री बना दें, ये जो है देश के जो है सबसे जो है भ्रष्टाचार से लड़ने वाले प्रधानमंत्री हो गए, ऐसा कोई ना होता। दुनिया और जो लोग हैं वो कोई बेवकूफ कोई ना है, सब लोग ये सब कुछ देख रहे हैं। हाँ ये जरूर है, लोगों को डराया जा रहा है, बिजनेसमैन को डराया जा रहा है, मीडिया के लोगों को डराया जा रहा है। आप तो मीडिया के जो बड़े बड़े लोगों के ऊपर ईडी के मुकदमे कर रखे हैं, जहां कोई चैनल पे कोई इनसे ऊंची बात कर दे या अगले दिन उनको बुला के जो है ईडी के अंदर टाइट करते हैं। इन्होंने बीबीसी को नहीं छोड़ा, दुनिया की सबसे विश्वसनीय न्यूज एजेंसी जिसका नाम मोदी जी खुद लेके कहते थे कि भाई अगर कहीं पे खबर पे शक हो तो बीबीसी खोल के देख लो, आज इन्होंने बीबीसी को जो है भ्रष्टाचारी बता दिया। ईडी जो है बीबीसी के बड़े बड़े पत्रकारों को बुला के सुबह से शाम तक जो है जलील करती है वहां पे बिठा के। अब ये कह रहे हैं कि ईडी भी भ्रष्टाचारी है, ईडी जो है देश के विरोध में काम कर रही है। इनका कोई दीन ईमान नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई इनकी कानून के अंदर जो है रुचि नहीं, कोई संवैधानिक संस्था को ये मानते नहीं, ये तो ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। जब तक सब ध्वस्त नहीं कर देंगे इनको चैन नहीं मिलेगा। सौरभ भारद्वाज बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए। शलभमणि त्रिपाठी, आप इस पर रिएक्ट करना चाहते थे, लेकिन ये सवाल तो उठेगा शलभमणि त्रिपाठी कि बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है क्या? कॉर्नाट सांगमा के खिलाफ आप लोग अभी तक पूरी कैंपेन आपने चलाई मेघालय में, पूरा अमित शाह ने जाके कहा कि जिस दिन हम सरकार बनाएंगे कॉर्नाट सांगमा को जेल के अंदर कर देंगे, उनकी जगह वहीं पर है, और उसके बाद आज वो मुख्यमंत्री बने हुए, बीजेपी उसमें सहयोगी दल है। मैं तो उम्मीद कर रहा था कि सौरभ भारद्वाज आपके साथ लाइन पर होते तो शायद बेहतर तरीके से मैं उनसे सवाल पूछ पाता, क्योंकि आपने तो सवाल पूछा नहीं जिसकी मुझे उम्मीद थी। आपने सौरभ भारद्वाज से ये सवाल नहीं पूछा कि चलो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को तो आप कहते ही हो, भारतीय जनता पार्टी पर तो आरोप लगाते ही हो, आप लालू यादव से क्यों मिले? क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो वही थे ना जो आपके ही चैनल पे, एनडीटीवी का ही क्लिप है कि एनडीटीवी पे बैठ के वो कहते थे कि मुझे अगर अधिकार मिला तो मैं सबसे पहले किसी को जेल भेजूंगा तो इस देश के सबसे महाभ्रष्टाचारी लालू प्रसाद यादव को जेल भेजूंगा। वो कहते थे कि लालू प्रसाद यादव ने अपने बेटों के नाम पे पूरे बिहार को लुटा दिया है। तो मैं तो ये उम्मीद करता था कि अंकित त्यागी ये सवाल जरूर पूछेंगे सौरभ भारद्वाज से कि चलिए ठीक है, भाजपा से तो हम सवाल पूछेंगे, आप ये बताइए ना कि आप लालू प्रसाद यादव के चरणों में क्यों गिरे पड़े हैं जिसको आप जेल भेजने का दावा करते थे? आप कांग्रेस पार्टी को सबसे मोस्ट करप्ट पार्टी बताते थे, आज आप उनके चरणों में जाकर गिरे पड़े हैं। आप तेलंगाना के जो चीफ मिनिस्टर हैं आप उनको महाभ्रष्ट बताते थे, आप उनके चरणों में जाकर गिरे हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी तो भ्रष्टाचारी एक बात है, जो आप जो कह रहे हैं इसका मतलब ये मान के चलें कि आप भी मान रहे हैं कि आम आदमी पार्टी बिल्कुल बीजेपी जैसी है, यानी कि आप भी करप्ट और वो भी करप्ट। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, हमने तो देखिए, हमने तो अपने सामने प्रमाण और तमाम मानक प्रस्तुत किए हैं और देश की जनता ने देखा है उसको। प्रमाण तो मेघालय में भी प्रस्तुत कर रहे थे कॉर्नाट सांगमा के खिलाफ और फिर उनके साथ सरकार में आप। मैंने कहा तो नहीं नहीं ठीक है, देखिए कई बार ऐसा होता है राजनीति में, हम लगाते हैं एक दूसरे पर आरोप, लेकिन जो इस देश की न्यायिक व्यवस्था ऐसी है कि आप सौरभ भारद्वाज जी को आपने मौका दिया, आपने उनसे नहीं पूछा, उन्होंने दो बातें कही। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो जजेस बनवा नहीं पा रहे हैं, जजेस बनवाना चाहते हैं, यानी भारत सरकार अपने जजेस बनवाना चाहती है, बनवा नहीं पा रहे, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इतिहास देश की जुडिशरी ऐसी हो गई है कि आज तक सत्येंद्र जैन को हम जमानत नहीं दिलवा पा रहे। तो आपको उनसे पूछना चाहिए था कि भाई जुडिशरी पर विश्वास आपको है कि नहीं है, अगर जुडिशरी पर आपको विश्वास है तो आप सत्येंद्र जैन को बाहर क्यों ला पा रहे हैं? जो भ्रष्टाचार करके उनका मंत्री जेल के भीतर है और जिसको अरविंद केजरीवाल ने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया कि इस देश में अगर कोई एक दिन के लिए जेल जाता था तो अपना मंत्रालय छोड़ देता था, इस्तीफा देता था, अरविंद केजरीवाल ने उसको महीनों तक मंत्री बनाकर रखा, उसके लिए मसाज पार्लर खुलवा दिए, अंदर उनके लिए पूरी अय्याशी की व्यवस्था करा दी। सौरभ भारद्वाज से आपको यह भी सवाल पूछना चाहिए, पर सौरभ भारद्वाज जो आरोप हम पर लगा रहे थे, कई बार ऐसा लगता है कि ये आरोप तो हम भी लगाते हैं कि कई बार मीडिया ये सवाल पूछने में पता नहीं क्यों मीडिया की टांगे कांपने लगती है कि भाई अरविंद केजरीवाल जी तो उदाहरण प्रस्तुत कर सौरभ भारद्वाज कह रहे थे कि हमें बीजेपी डरा देती है, आप कह रहे हमारी टांगे कांपने रखती है। हमें बिल्कुल इस बात की बड़ी खुशी है कि दोनों पार्टियों को लगे कि हम आपसे ही डरे बैठे हैं, इसलिए कि सवाल नहीं पूछेंगे, क्योंकि सच्ची बात तो यह है जिससे सवाल पूछ लो, जैसे आपसे पूछा तो आप कह रहे हैं आपने उनसे नहीं पूछा, उनसे पूछेंगे तो कहेंगे बीजेपी से नहीं पूछा, इसी में खेल चलेगा नीरजा जी। लेकिन ये जो पूरा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है दोनों तरफ से, एक क्लीन चिट दिए जा रहे हैं अपने आप को, दूसरे आरोपी बताए जा रहे हैं अपने आप को, ट्रायल होना अभी बाकी है। बिल्कुल, अब ये जनता दिल्ली की, पंजाब की और देश की क्या
इससे सबक लेगी, कैसे इससे रियायत करेगी, वो देखने लायक चीज होगी। अरविंद केजरीवाल माहिर खिलाड़ी हैं, उसको ट्विस्ट करेंगे अपने राजनीतिक फायदे के लिए, और हर पार्टी करेगी करती है। तो मुझे लगता है कि जो बैटल ऑफ परसेप्शन है वो लड़ा जा रहा है, कोर्ट्स में तो होगा ही होगा। और मेरे मन में जो सवाल है वो ये है, जहां तक सत्येंद्र जैन का मामला था, सिसोदिया का मामला था, क्या लोगों के मन में उनको जेल डालने से सहानुभूति हुई? मालूम नहीं, ऐसा लगता नहीं था कि सहानुभूति बहुत बहुत जी बड़े पैमाने पर हुई। पर क्या अरविंद केजरीवाल को बुला के, जिनका नाम FIR में भी नहीं था, ज्वाइन करने था उनको इन्वेस्टिगेशन, 9 घंटे CBI ने समन दे के बुलाया, ऐसा होता नहीं था। अगर जी आपको इन्वेस्टिगेशन करना तो आप CM के पास जाते हैं, आप बात कर लीजिए। तो और सिर्फ जो आपने सवाल उठाया ना, सिर्फ ऑपोजिशन के लीडर्स को ही ED और CBI इंटेरोगेट कर रही है, उससे भी एक क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ गया है जी कि किस मोटिव से कर रही है।